जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए। 1 अप्रैल 2019 से कंपोजिशन की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीज तक होगी, 1 करोड़ 50 लाख तक। पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है। सालाना 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट दे दी है। पहले ये सीमा 20 लाख थी। इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट की सीमा 10 लाख रुपए से दोगुना कर 20 लाख रुपए सालाना करने का भी ऐलान किया है। जीएसटी छूट की सीमा बढ़ाने से कई छोटी छोटी कंपनियों को कानूनी पचड़ों से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन इससे टैक्स चोरी की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका पैदा होगी, क्योंकि तब कई उद्योग टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ही नहीं आएंगे। इसके अलावा अब कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाली कंपनियों को रिटर्न भरने पर भी बड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक अब कंपोजिशन स्कीम में जाने वालों को टैक्स तो हर तिमाही देना होगा, लेकिन रिटर्न साल में एक बार ही भरना होगा। कंपोजिशन स्कीम से जुड़े दोनों फैसले 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। काउंसिल ने केरल आपदा के बाद विकास कार्यों का खर्च जुटाने के लिए सेस लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब केरल के अंदर बिक्री पर अधिकतम 2 वर्ष के लिए अधिकतम 1% सेस लगाने की अनुमति दी गई है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।